आईपीएल 2023 मिनी ऑक्शन के लिए चेन्नई सुपर किंग्स की स्ट्रेटजी आई सामने। चेन्नई सुपर किंग्स की रडार पर होंगे ये तीन बल्लेबाज। जानेंगे क्या है पूरी खबर, वीडियो को पूरा देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चेन्नई सुपर किंग्स फैंस के लिए हमने एक अलग से टेलीग्राम चैनल बनाया है, जहां पर खास चेन्नई से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले मिलती है। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आईपीएल 2023 की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। सभी टीमों ने रिटेंशन लिस्ट जारी कर दी है। चेन्नई सुपर किंग्स की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स ने एक साथ 8 खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया है। चेन्नई सुपर किंग्स के पास इस समय लगभग 20 करोड़ रुपए का पर्स मनी बचा हुआ है। ऐसे में चेन्नई की टीम मिनी ऑक्शन में कई बड़े खिलाड़ियों को खरीद सकती है। आपको बता दें, इस बार मिनी ऑक्शन का आयोजन 23 दिसंबर को कोची में किया जाएगा। यहां पर हम ऐसे तीन बल्लेबाजों के बारे में बात करेंगे जिन्हें चेन्नई सुपर किंग्स की टीम आईपीएल 2023 मिनी ऑक्शन में खरीद सकती है। इस लिस्ट में पहला नाम है केएस भरत का। केएस भरत पिछले सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का हिस्सा थे। आपको बता दें, केएस भरत निचले क्रम में बल्लेबाजी कर सकते हैं। जरूरत पड़ने पर उन्हें टॉप ऑर्डर में भी भेजा जा सकता है। इसके अलावा वो एक बेहतरीन विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। आपको बता दें, जरूरत पड़ने पर वो धोनी की जगह विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं और इसी वजह से चेन्नई की टीम केएस भरत पर बोली लगा सकती है। यहाँ पर दूसरा नाम है हैरी ब्रूक का। हैरी ब्रूक इंग्लैंड के एक बेहतरीन बल्लेबाज माने जाते हैं, जो मध्य क्रम में बल्लेबाजी कर सकते हैं। पिछले एक साल से लगातार हैरी ब्रूक ने शानदार प्रदर्शन किया है। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इस बल्लेबाज को टारगेट कर सकती है। आपको बता दें, ये बल्लेबाज कम कीमत पर भी मिल सकता है और इसी वजह से चेन्नई के रडार पर ये बल्लेबाज रहने वाला है। यहाँ पर तीसरा नाम है डेविड मलान का। डेविड मलान लिमिटेड क्रिकेट में खेलते हैं और इंग्लैंड की तरफ से एक खतरनाक बल्लेबाज माने जाते हैं। डेविड मलान एक बेहतरीन ओपनिंग बल्लेबाज हैं, साथ में वो मध्य क्रम में भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। इस समय डेविड मलान शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। इनके बल्ले से एक के बाद एक कई शानदार पारियां देखने को मिली हैं। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम मिनी ऑक्शन में इस बल्लेबाज को खरीद सकती है। आपको क्या लगता है, चेन्नई सुपर किंग्स में कौन से नए बल्लेबाजों को शामिल होना चाहिए? आप अपनी राय नीचे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।